एक शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन की बदसलूकी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सेल्समैन पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सेल्समैन 4 महीने से उपभोक्ताओं को राशन नहीं दे रहा है और साथ ही कार्डों में राशन देने की फर्जी एंट्री भी कर रहा है। इन्हीं सब बातों का विरोध करने पर वो बदसलूकी करके भाग गया। मामला डिंडोरी के सीधा गांव का है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में लगभग 450 लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है, लेकिन उन्हें 4 महीने से राशन नहीं मिला है और राशन ना मिलने की बड़ी वजह उनके गांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन सचिन मरावी है। सेल्समैन ने 4 महीने से किसी को अन्न का एक दाना तक नहीं दिया है और कार्डों में राशन देने की फर्जी एंट्री भी कर रहा है। 4 महीनों से वो यही धांधली कर रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये सेल्समैन शराब के नशे में उचित मूल्य की दुकान पहुंचा, ग्रामीणों से बदसलूकी करने लगा। ग्रामीणों ने उसकी इस हरकत का विरोध किया तो वो गुस्से में दुकान छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों की मांग है कि इस नशेड़ी सेल्समैन पर कार्रवाई हो और उन्हें जल्द से जल्द राशन दिया जाए। हमें हर घर में जाके फिंगर लगवाया हमने नवंबर महीने का, एक महीना पैसा वाला एक और फ्री वाला, एक महीने का। तो उसमें पैसा वाला मिल गया है, वो फ्री वाला मिल गया है, पैसा वाला बाकी है नवंबर महीने का। और उसके आगे पीछे का मैं नहीं जानता, मैं गांव का नागरिक हूँ। मेरे को आदेश दिया गया हमारे गांव के सेल्समैन द्वारा, गंगाराम के द्वारा, कि आप फिंगर लगवा दीजिए करके। मैं फिंगर लगवाया, दारू पी के यहाँ से सर्वर नहीं है करके चला गया सेल्समैन। अभी 5 लोगों को दिया है, बस हो गए, भाग गया। सोसाइटी बंद भी नहीं किया है। हाँ, बंद भी नहीं किया गया, सही भाग गया। ये कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत गीधा के सोसाइटी को कलेक्टर सुतर आके जांच किया जाए। 4 महीने से राशन नहीं मिला है। एक जो फ्री वाला है तो फ्री वाला कांग ले दिए हैं और पैसा वाले नहीं दिए हैं, तो कहीं फ्री वाला पैसा वाले देते हैं तो फ्री वाले को नहीं देते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।